वंदे मातरम, मैं हूं सपना शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। तो इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, दिल्ली नगर निगम को लेकर ये लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी ने चुनाव प्रबंध समिति की लिस्ट जो है वो जारी कर दी। आपको बता दें 21 नामों की लिस्ट जारी की गई है, यानी कि इस लिस्ट में 21 नाम शामिल है। तो बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली नगर निगम को लेकर ये लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी ने चुनाव प्रबंध समिति की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। 21 नामों की लिस्ट जारी की गई है। क्या कुछ नाम है उनकी भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से परिसीमन किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं यह अंदेशा कि नगर निगम के चुनाव, और अब बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दिया। 21 नाम इस लिस्ट में, और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, नामों की लिस्ट, 21 नाम है इसमें। तो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दिया, दिल्ली नगर निगम को लेकर यह लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी ने चुनाव प्रबंध समिति की जो लिस्ट है वो जारी की है। 21 नामों की ये लिस्ट है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब चुनाव को लेकर तैयारियां भी पूरे जोर शोर से होगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की, 21 नाम इसमें शामिल हैं, और वो नामों की लिस्ट भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली नगर निगम को लेकर बीजेपी की लिस्ट है, इसमें 21 नाम शामिल किए गए हैं, और उसकी तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अब क्योंकि देखिए चुनाव भी आने वाले हैं और इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां भी की जाएगी। लवली बख्शी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, देखिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, 21 नामों की लिस्ट जारी की गई है, क्या कुछ जानकारी, कितने नाम, किन किन के नाम इस लिस्ट में शामिल? देखिए आपको मैं बताऊंगा, बीजेपी ने अपने चुनाव प्रबंधक समिति एक बनाई है, उसको लेके एक लिस्ट जारी करी है, जिसके अंदर मंडल के हिसाब से और जिला के हिसाब से तकरीबन 7 से 8 जिले और 7 से 8 मंडलों के हिसाब से एक एक संयोजक बनाया है, एक एक प्रबंधक बनाया है, जो कि चुनाव की रणनीति को देखते हुए आगे तैयारी करवाएगा और संगठन को साथ देकर अपने दिशा निर्देश देगा। जिस तरीके की बीजेपी शुरू से ही चुनावों को लेकर अपनी रणनीति को सख्त और मजबूत बनाती है और पहले से ही शुरुआत कर देती है, उसके मद्देनजर ही ये लिस्ट जारी करी है, जिसके अंदर 6 से 7 मंडलों के ऊपर एक प्रबंधक चुनाव को लेकर संयोजक बनाया गया। बिल्कुल, और नाम को लेकर क्या कोई जानकारी है, क्योंकि 21 नामों की लिस्ट जारी की गई है, किन किन के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर जितने भी नाम हैं ये तमाम लोग वो हैं जो कि बीजेपी के अंदर संगठन के अंदर पहले से ही हैं, और अधिकतर जो कि पूर्व विधायक हैं, कई पूर्व पार्षद हैं और कई प्रभारी हैं, उस तरीके से इन लोगों के इनमें नाम है। और क्योंकि देखिए हमेशा से बीजेपी की यही रणनीति भी रही है लवली, कि जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले जिस तरीके की तैयारी है वो देखते ही बनती है, और ये कहीं ना कहीं उसका प्रमाण भी है कि 21 नामों की जो लिस्ट है वो बीजेपी ने जारी करती है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिनों पहले नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिगुल बजा दिया था, उसके बाद आज ये पहली तैयारी है जो ये 21 लोगों की लिस्ट जारी करी है बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर, अपनी एक पहली रणनीति का पहला स्टेप निकाला है। बिल्कुल लवली, और इसके बाद क्या कुछ रणनीति बीजेपी की रहेगी, क्योंकि देखिए अभी चुनाव आएंगे और चुनाव को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन चुनाव को लेकर क्या कुछ जानकारी, नगर निगम के चुनाव कब तक? देखिए नगर निगम के जो चुनाव हैं उनकी जो तारीखों हैं, उनकी तारीखों के जो ऐलान है वो ऐलान अभी सूत्रों के मुताबिक हमें ये पता लगा है कि वो नवंबर के पहले सप्ताह के अंदर ही होना तय है, लेकिन हमारे को जो सूत्रों के मुताबिक जो तारीख पता लग रही है वो 3 से 4 दिसंबर की तारीख, जो खाली अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरीकों पर इस चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल जो बीजेपी ने लिस्ट निकाली है 21 लोगों की, अभी इसके अंदर चुनाव की तैयारी और रणनीति अपनी मंडल के लिहाजे से, जिले के लिहाजे से और खंड प्रमुखों की मीटिंगें जारी करके की जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल, और इसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारी है वो बीजेपी की ही जा रही है, और जिस तरीके से अब लिस्ट भी जारी कर दी है, कहीं ना कहीं देखिए जो थप्पा है वो ये लग चुका है कि बीजेपी हर चीज को लेकर हमेशा आगे होती है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से या फिर तमाम पार्टियों की, आम आदमी पार्टी भी हो गई, उनकी तरफ से कब लिस्ट जारी होती है वो देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी ने बाजी मार ली है। लवली, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे विधायक के चुनाव हो, चेयरमैन के चुनाव हो, एमपी के चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, तमाम चुनावों के अंदर सबसे पहले रणनीति बीजेपी कई महीने पहले से शुरू कर लेती है, और नगर निगम की भी रणनीति बीजेपी ने कई महीने पहले से, ये लिस्ट जारी होने से पहले मैं आपको बताऊंगा, बीजेपी ने तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले अपने दिल्ली के अंदर खंड प्रमुखों की मंडल अध्यक्षों द्वारा एक मीटिंगें भी चालू कर दी थी, जिसके अंदर बैठकें की गई थी, जिनके अंदर उन्होंने पंचजनीय एक उनकी एक वो थी समिति, उसके द्वारा कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, और रणनीति पहले से शुरुआत की गई थी। बिल्कुल लवली, और क्योंकि परिसीमन भी किया गया था और उसको लेकर भी कई ऐसे सवाल खड़े करे थे बीजेपी के ऊपर कि जो ये परिसीमन किया गया है वो बीजेपी ने अपने फायदे के लिए किया है, इसको लेकर भी अब कई सवाल खड़े होंगे आगे आने वाले समय में। देखिए, इस जो परिसीमन हुए हैं उस परिसीमन को लेके उस तरीके की किसी तरीके की कोई सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन उसको लेके हमारे को ग्राउंड लेवल पे किसी चीज की कोई बात नहीं लगती कि जिस तरीके से अभी जो इलेक्शन कमीशन द्वारा एक लिस्ट जारी हुई थी जिसके अंदर महिलाओं की सीटों को रिजर्व किया गया था, जनरल सीटों को रिजर्व किया गया था, इन तमाम सीटों को देखते हुए उससे पहले ही बीजेपी की रणनीति, क्योंकि बीजेपी की जो बैठकों का दौर है वो उससे पहले से चल रहा था, उससे पहले से जारी था, तो इसके अंदर किसी तरीके का विरोध, मतलब कि अपोजिट विपक्ष को छोड़ के अंदर बीजेपी पार्टी के अंदर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और बीजेपी रणनीति, बीजेपी का कार्य अपने में चल रहा है। बिल्कुल लवली, बिल्कुल लवली, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी भी लगातार दे रहे हैं कि किस नामों की लिस्ट जारी कर दी, अब देखना होगा आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया लवली हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी।